हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम देखेंगे कुछ नए शरीर के अंगों के नाम जो कि तमिल में हैं, उनको कैसे रीड करते हैं और कैसे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं शरीर के अंगों के नाम। पहला आपका मीज़ई, मतलब मूछ, मीज़ई, मूछ है ना, मीज़ई। अब इसमें मीज़ई को हम रीड कैसे करेंगे? मीज़ई को तो ये है आपका मैं। इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा देखिए, ये लगी हुई है बड़ी की मात्रा, मीज़ई। मी तो ये है ज़, और ये आपका ई, लेकिन ये कैसे रीड होगा? मीज़ई ऐसे बनेगा, मीज़ई मतलब मूछ। मतलब मूछ। मैं बड़ी की मात्रा, स और ये ई। मीज़े समझ गए, मीज़े मतलब मूछ। देख आपका इडप, इडप मतलब कूल्हा। इडप ये आपका ई, ये आपका ड प आधा और प पूरा, इडप इडप मतलब कूल्हा। ये आपका ई है, ये आपका ड है, ये प आधा है, ये प पूरा, इडप मतलब कूल्हा। नेक्स्ट है आपका नाकंकल, नाखून, नेल्स। नाकंकल। अब इसमें नाकंकल को हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, नाकंकल। ना ये क, ये न, ये ना है आपका, ये क है, ये न आधा है, फिर अगेन क, ल, ये ल है आपका, ना क न क ल, ना क न कल, नाकंकल, नाखून, नाकंकल, नाखून। नेक्स्ट है आपका टोल, टोल। ये आपका ट है, ये आ की मात्रा है, ये ट है, ये ट है, ये आ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा, तो ये है आपका ल, टोल, टोल मतलब त्वचा, स्किन। नेक्स्ट है आपका कई मुट्टी, कई मुट्टी। ये आपका क, अगेन ई बाद में आया है, तो कई 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 मुट्टी, मु ये ट है, ये ई, मुट्टी, कई मुट्टी। ये आपका क हो गया, ये ई हो गया, ये मुंह हो गया, ये त आधा हो गया, ये डी, कई मुट्टी, कई मुट्ठी मतलब, कई मुट्टी मतलब मुट्ठी। उडल, उडल मतलब होता है शरीर, उडल मतलब क्या होता है? शरीर। ये आपका ऊ, ये ड, ऊ ड, ये आपका ल, उडल तो मतलब क्या होता है? शरीर, बॉडी, उडल। नेक्स्ट है आपका क्या है आपका? नहीं देखिए, विरल कल। क्या है? विरल कल मतलब उंगलियां, फिंगर्स। ये आपका व, छोटे की मात्रा वी। ये आपका र, ये आपका ल, ये आपका क, और ये ल आधा, विरल कल मतलब उंगलियां, फिंगर्स। व छोटे की मात्रा लगी हुई, देखिए ये वी, ये आपका र है, ये आपका ल है, ये आपका क है, और ये आपका ल है, विरल कल उंगलियां, फिंगर्स। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और भी हमने पिछले वीडियो में कई, जैसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में, बारह खड़ी के बारे में, तमिल अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में हम ट्रांसलेट किया है, तमिल बारह खड़ी को किया है, शरीर के अंगों को किया है, क्रियाओं को किया है ना, इनको समझा है हमने। तो यदि आपको कोई डाउट हो यहाँ आज समझने में, तो आप अल्फ़ाबेट से प्रारंभ करें, वहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। और यदि आपको इसके अलावा भी कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।